आज हम घर पर बहुत ही टेस्टी टेस्टी मैंगो आइसक्रीम बनाएंगे। इसके लिए हमने 2 ग्लास फुल क्रीम दूध को कढ़ाई के अंदर निकाल लिया है। जैसे दूध निकाल ले तो हमने इसके अंदर 1/4 कप कॉर्नफ्लावर का डाल दिया है, 1/4 कप इसके अंदर मिल्क पाउडर का डाल देंगे और 1/4 कप ही हम इसके अंदर चीनी डाल देंगे। तीनों की मात्रा हम बराबर डालेंगे और इसे गुठलियाँ ख़त्म होने तक अच्छे से मिक्स कर लेंगे। इसे पहले गैस पर नहीं चढ़ाएंगे, जैसे ही गुठलियाँ ख़त्म हो जाए उसके बाद ही हम कढ़ाई को गैस के ऊपर चढ़ाएंगे। गैस की आँच हम लो रखेंगे और लो फ्लेम पर हम इसे अच्छे से कुक होने देंगे। इसके अंदर हमने कुछ केसर के धागे भी डाल दिए ताकि हमारी मैंगो आइसक्रीम और भी ज़्यादा टेस्टी बनके तैयार हो। केसर के धागे डालने से आइसक्रीम के अंदर बहुत ही अच्छा सा कलर आ जाता है। 2 से 3 मिनट के बाद ये अच्छे से इस तरीके से गाढ़ा होना शुरू हो जाएगी। कॉर्नफ्लावर डालने से दूध बहुत ही जल्दी गाढ़ा होना शुरू हो जाता है। जैसे ये गाढ़ा हो जाए तो गैस की फ्लेम बंद कर देंगे और ठंडा होने के बाद हम इसे मिक्सी के जार के अंदर डाल देंगे। 2 कटे हुए मैंगो इसके अंदर डालेंगे। कुछ हमने इसके अंदर काजू के टुकड़े का इस्तेमाल किया है जिससे हमारी आइसक्रीम और भी ज़्यादा टेस्टी बनके तैयार हो, और इसे हम बिल्कुल बारीक पीस के तैयार कर लेंगे। इस तरीके से हमने कितना बारीक और स्मूथ सा पेस्ट बना के तैयार कर लिया है। अब इस पेस्ट को हम एक कंटेनर के अंदर डाल देंगे और इस तरीके से अच्छे से थपथपा लेंगे। और इसके बाद हमने इसके पिस्ते से गार्निश कर लिया है। इसके साथ ही हमने कुछ केसर के धागों से भी इसे गार्निश कर लिया है और इसे लगभग 8 से 10 घंटे के लिए फ्रीजर के अंदर जमने के लिए रख देंगे। बाज़ार में मिलने वाली महंगी महंगी आइसक्रीम आप इस तरीके से घर पे बिल्कुल सस्ते में बना के तैयार कर सकते हैं। 8 से 10 घंटे के बाद हम इसे निकाल लेंगे। बहुत ही टेस्टी और क्रीमी क्रीमी मैंगो आइसक्रीम बनके तैयार है। मेरी वीडियो अगर आपको पसंद आती हो तो प्यारा सा कमेंट कीजिएगा। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। चलिए शुरू करते हैं हमारी नेक्स्ट रेसिपी। इसके लिए एक पैन के अंदर हमने 1/2 लीटर दूध लिया है। दूध आपके पास जो भी हो आप वो ले सकते हैं। हमने इसके अंदर फुल क्रीम दूध का इस्तेमाल किया है। गैस की फ्लेम हाई रखेंगे और हाई फ्लेम पर पहले दूध को अच्छे से बॉईल होने देंगे। जैसे दूध के अंदर उबाल आ जाता है तो हम गैस की फ्लेम लो कर देंगे और लो फ्लेम पर दूध को अच्छे से गाढ़ा होने के लिए रख देंगे। जैसे दूध गाढ़ा होना शुरू कर दे तो हम इसके अंदर 1/4 कप मावा डाल देंगे। हम इस दूध से आज मावे की बहुत ही टेस्टी कुल्फ़ी बनाने जा रहे हैं। इस कुल्फ़ी को बनाना बहुत ही ज़्यादा आसान है। इसके लिए हमने इसके अंदर 1/2 चम्मच इलायची का पाउडर डाल दिया है और लगभग 4 चम्मच इसके अंदर हम चीनी डाल देंगे। और चीनी इलायची को पाउडर डालने के बाद हम इसे फिर से गाढ़ा होने तक अच्छे से कुक होने देंगे। आपको मेरी वीडियो अगर पसंद आती हो तो प्यारा सा कमेंट कीजिएगा। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। जैसे ही दूध गाढ़ा होना शुरू हो जाए तो हम एक बाउल के अंदर थोड़ा सा केसर वाला दूध लिए हैं। हमने पहले ही कुछ केसर के धागों को दूध के अंदर भिगो के रख दिया था ताकि दूध के अंदर केसर अच्छे से मिल जाए। इसके बाद हमने इसी दूध के अंदर 2 चम्मच कस्टर्ड पाउडर डाल दिया है और कस्टर्ड पाउडर को अच्छे से मिक्स कर लेंगे तब तक कि इसकी गुठलियाँ ख़त्म ना हो जाए। जैसे इसकी गुठलियाँ ख़त्म हो जाए तो हम थोड़ा थोड़ा करके इसे दूध के अंदर डाल देंगे ताकि ये दूध है जो और भी ज़्यादा गाढ़ा हो सके, रबड़ीदार बन के तैयार हो सके। एक साथ नहीं डालना है, इसी तरीके से थोड़ा थोड़ा डालते हुए ही इसे हम लगातार चलाते रहेंगे। कस्टर्ड पाउडर डालने के बाद हम इसे लगातार चलाते रहेंगे ताकि कस्टर्ड पाउडर तले पर नीचे चिपके नहीं। और जैसे इस तरीके से गाढ़ा हो जाए तो गैस की फ्लेम हम बंद कर देंगे और इसे हम ठंडा होने के लिए रख देंगे। और जैसे ये ठंडा हो जाए तो सारे बैटर को हम मिक्सी के जार के अंदर डाल देंगे। इसके अंदर हमने थोड़ी सी दूध की मलाई डाल दी, लगभग 5 से 6 चम्मच, ताकि ये कुल्फी है जो बिल्कुल क्रीमी क्रीमी बन के तैयार हो। और इसके अंदर हमने 7 से 8 काजू की टुकड़ी भी डाल दी है। और इसे डालने के बाद हम इसे ढककर इसे अच्छे से मिक्सी के जार के अंदर चला के पीस के लेके आ जाएंगे। रबड़ी को मिक्सी के जार के अंदर पीसने से रबड़ी बिल्कुल स्मूथ सी बन के तैयार होती है, जिससे हमारी जो कुल्फी बनेगी वो बिल्कुल परफेक्ट बन के तैयार होगी। अब इस रबड़ी को हम किसी कप के अंदर डाल देंगे। आप चाहे तो मोल्ड के अंदर डाल सकते हैं।
अब हम बटर पेपर से कप को इस तरीके से कवर कर देंगे। इसके बाद हम रबर बैंड से इसे सिक्योर कर देंगे। सारे कप के ऊपर हम इसी तरीके से बटर पेपर और रबर लगाकर इसे सिक्योर कर देंगे। इसके बाद हम एक नाइफ़ ले लेंगे और नाइफ़ से इस तरीके से कट लगा देंगे और जो आइसक्रीम की स्टिक है वो उसके ऊपर रख देंगे और इसे हम जमने के लिए लगभग 7 से 8 घंटे के लिए रख देंगे। 7 से 8 घंटे के बाद हमारी जो कुल्फ़ी है वो अच्छे से जम के तैयार हो चुकी है। बटर पेपर को निकाल देंगे और मैं आपको दिखाती हूँ डिमोल्ड करके कि ये कितने परफेक्ट कुल्फ़ी बनके तैयार हुई है। इस तरीके से आप घर पर ईजिली कुल्फ़ी बना के तैयार कर सकते हैं। वीडियो को फुल वॉच करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।